स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हाय दोस्तों, मैं हूं संदीप वड्रा और मैं दोबारा से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के साथ। दोस्तों, एक सवाल मुझसे लोग हमेशा मेरे प्योर प्रोग्राम्स में पूछते रहते हैं कि संदीप सर, मैं अपनी तैयारी पे फोकस नहीं कर पाता, मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, कभी इंटरनेट से, कभी फेसबुक से, कभी दोस्तों से, कभी लोगों से, कभी पापा से, कभी मामा से, कभी मामी से, जैसे को मुझे सलाह देता है, आई ऑलवेज गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो कैसे आप फोकस रह सकते हैं? ऐसे तीन प्रिंसिपल्स, आई रिपीट, ऐसे तीन प्रिंसिपल्स दोस्तों मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। पहले समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज दिस डिस्ट्रैक्शन, और इसके लिए मैं एक बड़ी प्यारी स्टोरी आपसे यहां पे शेयर करूंगा। दोस्तों नारद मुनि को हम सब जानते हैं, आपने भी नारद मुनि का नाम सुना होगा, विश्व के बहुत जाने माने गुरु हुए नारद मुनि। एक बार नारद मुनि से एक शिष्य ने ट्रेनिंग लिया, बहुत कुछ सीखा, कोचिंग लिया, और चार साल की कोचिंग के बाद नारद मुनि को वो राजा कहता है, वो शिष्य बोलता है, कहता है, नारद मुनि, मैंने आपसे चार साल का कोचिंग लिया है, आप गुरु दक्षिणा में जो मांगना है मुझसे मांग लीजिए। नारद मुनि बोलते हैं, अच्छे, अब तू मुझे गुरु दक्षिणा देगा? थोड़ा एटीट्यूड में, राजा ईगो में बोलता है, क्यों भाई, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ, आपको जो मांगना मांग लो, मैं वादा करता हूँ मैं आपको दूंगा। नारद मुनि बड़े प्यार से कहते हैं अच्छा, अगर तेरा गुरु दक्षिणा देने का इतना मन है तो एक काम कर, नीचे धरती देख रहा है? कह जी गुरु, नीचे जा और जाकर सिर्फ एक ग्लास पानी मेरे ले लिया। कह रहे बस भाई, आपने मुझे शिक्षा दी है, मैं एक राजा हूं, और आपने मांगा तो मात्र एक ग्लास पानी, कह रहा हाँ, इतने इसमें मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी, तू जा तो सही। वो इंसान स्वर्ग से नीचे की तरफ उतरता है, नीचे जाकर देखते एक नदी बह रही थी। अब नदी बह रही थी तो वहां पे पत्थर था, मार के बैठ गया और सोच रहा था पानी कैसे लेके जाऊं। इतने में उसने देखा कि सामने एक दरवाजा, एक घर है, एक झोपड़ी बनी हुई है। वो झोपड़ी पे गया, दरवाजे पे गया, मैंने नॉक किया, बोला, एक्सक्यूज मी, मैं नारद मुनि का शिष्य हूं, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? अंदर एक सुंदर सी कन्या निकल के आई, उसे बड़े प्यार से बोला, जी बिल्कुल मिल सकता है, सुंदर लड़की निकल के आई, बिल्कुल मिल सकता है। तो अंदर से पानी एक ग्लास लेके आई, उसने देखा, यार इतना बढ़िया राजा, इतना बढ़िया लड़का है, क्यों ना इसको यहाँ पे रोक लिया जाए, इससे थोड़ी सी बातचीत कर लीजिए, फिर ये चले आएंगे। उसने उस राजा से बड़े प्यार से बोला, उस इंसान से बड़े प्यार से बोला कि देखिए, आप इतने दूर से आए हैं, स्वर्ग लोक से आए हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर चले आइएगा। राजा बोला, बात तो सही है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। और उसने विश्राम किया, आधा घंटा अंदर बैठा, पानी पिया। तो लड़की फिर बोली जाने के समय कि भाई देखिए, रात के डिनर का टाइम हो गया है, खाने का टाइम हो गया है, आप खाना भी खा लीजिए। बोला, बात तो सही है, खाने का टाइम हो गया, खाना खा लेता हूँ। अब जब रात को सोए तो खूब सारी बातें हुई, खूब सारी उन्होंने डिस्कशन करी, और वो लोग आपस में प्रेम संबंध में पड़ गए। अगले दिन जब सुबह सो के उठा राजा, तो जब दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, तो लड़की ने बड़े प्यार से बोला, हेलो, एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो? अब तो भाई हम में प्यार हो गया है, अब तो तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। राजा बोला, हाँ यार, ये तो मैंने रात को गलत कमिटमेंट कर दी, इमोशन में बह के, वो शादी कर लेते हैं। फिर रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ जाते हैं, छोटे मोटे काम है, राज्य संभालना है, बच्चे होते हैं, ये सब कुछ बीत जाता है साहब, और 40-50 साल बीत जाते हैं। और राजा एक बार आराम से अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, और ऊपर से नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हाँ भाई, मेरा पानी का ग्लास कहाँ है? तो राजा अपने सर पे हाथ रख के बोलता है, अरे यार, मैं तो पानी लाना भूल ही गया। आपको नहीं लगता कि ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हम सबके साथ रोज होती हैं? आप घर से निकलते हैं पढ़ाई करने के लिए, हम पहुंचते कहीं और हैं, हमने टारगेट बनाया कि हमें ये एग्जाम क्रैक करना है, बीच में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमने सोचा कि हमें इस तरीके से अपने आप को अपने आप को तैयार करना है, ये मॉक टेस्ट पूरा करना है, फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और आज मैं आपको ऐसी तीन टेक्निक बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिससे डिस्ट्रैक्शन आपसे कोसों कदम दूर रहेगी और आप फोकस कर सकेंगे अपनी तैयारी पे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी लर्निंग पे। थ्री टेक्निक्स समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो पूरे हिंदुस्तान में मैं सिखाता हूं। नंबर वन टेक्निक इज दैट इज डिजाइन अ स्पेसिफिक गोल। यस, आई रिपीट, डिजाइन अ स्पेसिफिक गोल। आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मुझे आने वाला कौन सा एग्जाम क्रैक करना है।
आपका टारगेट बिल्कुल फोकस होना चाहिए कि मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। यू शुड बी वेरी फोकस, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज एक नोटपैड लीजिए और उस पे ऐसे 25 काम लिख लीजिए जो आपको इस गोल को पूरा करने के लिए करने हैं। Yes, design a action plan, design a road map, जब आपको फॉलो करना है उस गोल तक पहुंचने के लिए। और मैं वादा करता हूं आपसे कि जब आप 9-10 काम लिख लेंगे उसके बाद आपको काम याद ही नहीं आएंगे। Yes, I promise that. लेकिन 9-10 के बाद जो आप 15 काम लिखेंगे असल में एग्जाम आपका उसी से क्रैक होगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा वो समझ में आएगा। आप में से कोई जिम जाता होगा, वर्कआउट करता होगा। अगर मैं डेली सेम साइज के डंबल्स मारता हूं या मैं डेली सेम एक्सरसाइज करता हूं तो क्या कभी मसल्स बिल्ड होते हैं? कभी भी नहीं। मसल्स कब बिल्ड होते हैं? कि अगर मैंने पिछले हफ्ते 3 सेट मारे लेकिन इस बार मुझे 4 सेट मारने हैं, मैंने लेवल को इंक्रीज किया, तो 9 काम तो वो काम थे जो बड़े इजी थे, आप रेगुलर कर ही रहे होंगे, लेकिन लास्ट के 15 काम दोस्तों वो काम होंगे जो आपने आज तक नहीं करे हैं, जो आपके माइंड को ओपन करेंगे, ओह दिस इज आई हैव टू डू इट, एंड वही काम आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएंगे। पॉइंट नंबर टू, डिजाइन एक्शन प्लान विद एटलीस्ट कम से कम 25 कामों के लिए जरूर बनाइए। एंड नंबर थ्री, एंड दैट इज कॉल, ये जो आपने गोल बनाना दोस्तों, इस गोल को पेपर पर लिखिए, उस पर तारीख डालिए एग्जाम की, और मैं बड़ा अजीब सी बात बोलूंगा लेकिन ये आपको पक्का रिजल्ट देगा, और इस गोल को 20 प्रिंट आउट निकाल के, 25 प्रिंट आउट निकाल के, 50 प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कारोबार में, हर जगह पर चिपका दीजिए। हर जगह पर मतलब हर जगह पर। मैं आपको अपना फेसबुक का पासवर्ड नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप अभी मेरे फेसबुक पेज पर जाएंगे तो मेरा इवन फेसबुक का पासवर्ड मेरा आने वाला गोल है। मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, हर जगह पर मेरा गोल चिपका रहता है। अपने गोल को पेश कीजिए ताकि उठते, बैठते, सोते, खाते, पीते, नहाते, हर टाइम आपका गोल आपकी आंखों के सामने घूमना चाहिए। फॉलो दी 3 स्टेप्स एंड आई गारंटी यू आपका फोकस दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति हिला नहीं पाएगा। फोकस ऑन दैट। मैं आपसे मिलता रहूंगा और बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोज के साथ। अब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।